आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल सेमनानी गार्डन प्लांट में स्वागत है। प्रकृति ने हम इंसानों के लिए बहुत सारे प्लांट दिए। हर किसी पौधे में कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं। इस पौधे को पेंडेंट प्लांट और हम लोग बासमती पौधे के नाम से जानते हैं। ये पौधा नर्सरी में 100 से 200 रुपए के रेंज में हाइट के अनुसार मिलता है। अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी बाय किया जा सकता है, लेकिन हमें ये पौधा फ्री में अपने मित्र के गार्डन से मिला है। इस पौधे की पत्तियों में बासमती चावल जैसी सुगंध होती है। पौधा सुरक्षित ज़मीन से निकल गया है और इसको पॉट में शिफ्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने लिया है कोकोपीट 30%, वर्मी कंपोस्ट 30% और गार्डन की मिट्टी 40% और 12 इंच का एक पॉट। इसमें हम इसको शिफ्ट करेंगे। ड्रेनेज होल बंद ना हो उसके लिए हम एक पत्थर का टुकड़ा उसमें रख देते हैं। वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, गार्डन सॉइल का जो बना हुआ मिक्सचर है उस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके हम पॉट में डालते चले जाएं। पॉट मेरा 12 इंच का है और अगर आप भी इस तरह से लगाना चाहते हैं तो 12 इंच के ही पॉट में लगाएं, क्योंकि इसके जड़ें बड़ी लंबी होती हैं। ज़्यादा छोटा पॉट रहेगा तो ठीक नहीं पड़ेगा, बड़े ही पॉट में लगाएं। ये पूरा देख लीजिए आप, मूसला जड़ की तरह है। और इस पौधे के अंदर खास खासियत ये होती है, इस पौधे की पत्तियाँ, एक पत्ती को आप ले लीजिए, छोटी छोटी कटिंग 1 इंच 2 इंच की बना लीजिए। बनाने के बाद आपके घर जो चावल बन रहा है उस चावल में जिस तरह से ये तेज पत्ता पकाया जाता है चावल में डाल के, उस तरह से आप इस पत्ती को पकाइए तो बासमती जैसे उस चावल में, पके हुए चावल में खुशबू आएगी। इस तरह से हमारा जो है प्लांट लगकर कंप्लीट हो गया। आप भी अपने घर लगा सकते हैं। अब हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं और ये सनलाइट वाला प्लांट है, इसको जो है पूरी तरह से आप सनलाइट में ही रखें। ये घर के अंदर का प्लांट नहीं है, आउटडोर का ही प्लांट है।